العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جئت ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق بالحق بالحق فبالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه صلوات اصول دین میں سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور چونکہ فکر آغاز سے انجام تک ایک ہے اس لیے قیامت پہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ عقیدہ توحید واضح نہ ہو جائے اس لیے کہ ذات واجب نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی قیامت کا تذکرہ کیا ہے وہاں بحث ہمیشہ آغاز سے کی گئی ہے تاکہ انجام سمجھ میں آئے جیسے سورہ اعراف ارشاد ہوا کما بداکم تعودون جیسے تمہارے ابتدا ہم نے کی ہے اسی طرح سے ہم تم کو لوٹائیں گے جیسے بدا ہے ویسے ہی عود ہے جیسے مبدا ہے ویسے معاد ہے جیسی قلقت ہے اسی طرح سے باس ہے بے عین سے قیامت پر عموماً مباحث دیکھے نہیں گئے احادیث کو تو نقل کیا علماء نے مگر بحث نہیں ہو سکی مسلسل کتابیں رسالت پہ لکھی گئیں مسلسل گفتگو امامت پہ کی گئی امامت کو سیاست سے ملانے کے لیے ابن خطیبہ دینوری نے اپنی اہم کتاب الامامت والسیاسہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا الملل والنحل کے ذی قدر مصنف عبد الکریم شہرستانی نے ملوکیت امامت نبوت ان سبوں پر بہت سیر حاصل مباحث کیے اور آپ کو بھی اگر زمانہ فرصت دے اور کسی ایک عظیم کتاب خانے میں آپ کو اگر جانا میسر ہو تو اس کی فہرستوں کو دیکھیے کہ قیامت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں
आपको ताज्जुब होगा कि हमारे जी कदर मुसन्निफीन बावजूद इसके कि दो सुलसे कुरान, टू थर्ड कुरान फकत कयामत की तफसील करता है, इसके बावजूद एक खामोशी सी है। कलम में खामोशी है, जबान में खामोशी है, तकरीरन व तहरीरन एक सुकूत है, फकत इसलिए कि कयामत समझ में ना आ सकी, इसलिए समझ में ना आ सकी कि तौहीद मुहकम न थी। तौहीद मुहकम न थी, वहां तौहीद क्या मुहकम हो जहां अभी 360 पर 6 बुतों को छोड़ के दुनिया आई हो। वहां तौहीद क्या मुहकम हो जहां कभी आंखों की गुफ्तगू हो, जहां कभी हाथों की गुफ्तगू हो, जहां कभी पैर की गुफ्तगू हो, जहां कभी उसके बहुत लहीम और शहीम जिस्म की गुफ्तगू हो, जहां उसके तख्त पे बैठने की गुफ्तगू हो, आने जाने की गुफ्तगू हो, जहां उसकी सवारी का तस्करा हो, जहां उसकी सवारी के चारे और घास का तस्करा हो, वहां तौहीद क्या मुसल्लम होगी। और जहां तौहीद मुफस्सल नहीं, वहां कयामत पर गुफ्तगू ही बेसूद, कयामत पर गुफ्तगू ही बेसूद है। इसलिए कि अगर तौहीद की मंजिल पर यह कह दिया कि वो हर शबे जुमा काने काबा की छत पे आता है, तो कयामत में यह कहना पड़ेगा कि भड़कते हुए जहन्नम के शोलों को बुझाने के लिए उसके अपने पैर को जहन्नम में दाखिल करना पड़ेगा। इसलिए थॉट क्लियर नहीं है, फिक्र वाज़ह नहीं है, और इस अदम वजाहत की वजह से यह मसला मोहताज तफसीर रहा। न तकरीरें हुई, न किताबें लिखी गई, और जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया, 2/3 बल्कि उससे ज्यादा कुरान का हिस्सा मुहित है तफसील महशर पर। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे तमाम सुनने वाले बगैर इस्तिस्ना मेरी इस गुफ्तगू को समझ रहे हैं। इसलिए समझ रहे हैं कि मुसलसल वो कुरान की आयतों को सुनते हैं, मुसलसल वो कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं, और बहुत सी आयतों का तर्जमा तो उनको अजबर है। मैंने सूरह आराफ से आयत पढ़ी, मुख्तसर सी आयत है, याद रखिए, कमा बदाकुम तऊदून, जैसे इब्तदा वैसे ही आओ, ये सूरह आराफ। अब सूरह अंबिया में इरशाद हुआ, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, जैसे हमने पहली खिलकत के लिए इब्तदा की थी, जैसे हमने खल्क अव्वल में इब्तदा की थी, कमा बदाना, बदाना को आप समझ रहे हैं इब्तदा की थी, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, हम फिर औद करेंगे, वादन अलैना, ये हमारा वादा है, इन्ना कुन्ना फाइलीन, और हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। बदा के लिए माद लाजिम है, आगाज के लिए अंजाम जरूरी है। अब सिर्फ ये कि वो शकूक जो ज़हन इंसानी में पैदा हो रहे हैं उसको दूर करना, नजरियात अजीब और गरीब, उन नजरियात को एक तरफ हिंदू मत ने फलसफे की सूरत दे दी, दूसरी तरफ जदीद अफकारो आरा ने जो खुद साख्ता मजाहिब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, उन्होंने अपनी फलाह और सलाह को इसी में देखा कि कयामत की तावीलें की जाएं और जन्नतो कौसरो तस्नीमो सलसबीलो तूबा मीजानो हशरो नशरो सिरात के माना को
लुगत अरब से लेकर बताने की कोशिश करें कि इसके माना वो नहीं है जो मुसलमान ले रहे हैं। लुगत में तो इसके माना ये है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले मुसलमान जानते हैं कि शारे मुकद्दस ने जब अदब अरब में तसर्रुफ किया और लुगत से अल्फाज ले लिए अपने इस्तेमाल के लिए, तो उन अल्फाज को वो माना अदा किए कि जिसके बाद किसी मुसलमान को इसका हक नहीं पहुंचता कि शरीयत से उस लफ्ज को वापस लेकर फिर लुगत पर अर्ज कर दे। जैसे हज, हज के माने लुगत में इरादे के हैं और आप हज के माना बखूबी जानते हैं। अगर आप घर से निकले और कोई बड़ा लोगवी अरब की लुगत का जानने वाला आपसे पूछे कि भाई कहां का हज है, तो यकीनन आपका जमीर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो सर्फ किया जा रहा है लफ्ज, ये नफकत गलत है बल्कि तौहीन शरीयत है। इस गुफ्तगु को पेश नजर रखकर मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, शारे मुकद्दस ने सदहा अल्फाज ले लिए जिसमें लुगत में माना कुछ और है। होम्स, सलात, ज़कात, जिहाद, हज, मारूफ मुनकर, यानी तमाम को अपने लिए जब इस्तेमाल किया तो किसी मुसलमान की तो ये बिसात नहीं कि इन लफ्जों को फिर लुगत को वापस दे दे। मगर ये खुद साख्ता मजाहिब बहुत सी चीजों से बचने के लिए, बहुत सी चीजों से बचने के लिए तावीलात के मजबूर हो गए। और मुसलमान उलमा ने महशर के मसले पर सुकूत इसलिए इख्तियार किया, सुकूत इसलिए इख्तियार किया कि जब तफसील महशर पर नजर पड़ी तो पता चला कि जिन अशखास पर यहां पर्दे डालने की कोशिश की जा रही थी वो अशखास वहां उभरने वाले हैं। आप समझ गए कि यह उन्मान क्यों कायम हुआ और हम क्यों कयामत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कि अगर तौहीद किसी को समझा नहीं सकती और अगर अदलो नबूवत और इमामत से दुनिया समझने पर आमादा नहीं है, तो कम से कम कयामत के मैदान में आके समझे कि अशकास की ताजीम शिर्क नहीं है। अशखास का एहतराम कुफ्र नहीं है, वहां उन्हीं से काम है, उन्हीं से काम है जिनसे यहां नजरें नीची हो रही हैं, उन्हीं से काम है जिनको यहां नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अपने मबाहिस में आहिस्ता आहिस्ता इन मसाइल पर गौर करेंगे, मगर चूंकि बहस छिड़ी हुई है इसलिए फिर हम वापस जाते हैं कल की तकरीर के आखिरी हिस्से पर। एक मरतबा फिर अर्ज कर दूं कि यह एहसास कमतरी मेरे किसी सुनने वाले में न पैदा हो कि मसला सकील है या हम किसी मौजू को समझ न सके। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं कि जहां जहां अहम मंजिलें आती हैं मैं खुद उसको इस कदर सहल कर देना चाहता हूं कि कम से कम बुनियादी पॉइंट्स आपके जहन में रह जाएं, और अगर आप कभी तफसील को फरामोश भी कर दें तो आपके लिए कोई वो अमर मजरत रसा न बने। अमीर मोमिनीन खिलकत कायनात के खुतबे को खत्म करके इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह से दुनिया फिर औद की मंजिल पर आएगी, इसी तरह से कयामत वाकई होगी और सबको उठाया जाएगा। और कुरान ने कहा, और आप सबको याद है, मैंने जैसा कि अर्ज किया मेरा काम तकरीरों में सिर्फ यही होता है कि कुछ देर के लिए आपको खामोश पाकर खुद आपके हाफिजे को ताजा करता जाऊं, और बहुत सी चीजें जो आपको याद हैं वो आपको और याद दिलाऊं। सूरह यासीन आपने पढ़ा है,
सबको याद है। और फिर उसी सूरे में अगर आयत आपको याद है तो आखिरी सात आयतें देखिए, क्या इंसान गौर नहीं करता, अन्ना खलकना हो मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। नुतफे से तो हमने पैदा किया, जरसूमे हयात से तो हमने पैदा किया, बड़े नाचीज खिलकत और दुश्मनी हमी से। फैजा हुआ कसीम मुबीन, हमी से दुश्मनी है। और जरबा लना मसलन, नसीहा खलका, मिसालें हमको देता है, एतराज हम पे करता है कि कैसी दुनिया बनेगी, कैसी कयामत आएगी, और खुद अपनी खिलकत को वो भूल रहा है। जरबा लना मसलन, वो नसीहा खलका, आला वही रमीम, कहता गली हुई हड्डियों को, बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है, बोसीदा हड्डियों को, गली हुई हड्डियों को, मैं युहयिल इदामा वही रमीम। जवाब मिला युहयी हल्लजी अंशाहा अव्वल मर्रते, वो वही पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा तुझको खल्क किया था। इससे बढ़ के कोई और इस्तदलाल है? इससे बढ़ के कोई इस्तदलाल है कि अपने आगाज को तो देखो। कुल यही हा, वही उसको पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, और वो अपनी खिलकत से, अपनी कुव्वत तखलीक से खबरदार है, वो जानता है। الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون। कभी ख्याल भी आया कि हरे पत्तों में आग कैसे लगती है? कभी पता चला कि लकड़ी की सिनकियत आतश से क्या है? यह फलसफा है। कभी पता चला कि लकड़ी को क्यों आग जलाती है? यह सिनकियत क्या है दो चीजों में? मगर क्या जानो तुम कि कितने उलूम की जरूरत है एक तौहीद को समझने के लिए। अमीरुल मोमिनीन कूफे के मिंबर पर चींटी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, और जैसा कि मेरा हाफिजा साथ देता है, 1941 में शायद मैंने मदारे शहीद सालिस पर अमीरुल मोमिनीन के इस खुतबे की तिलावत की थी। उन्ज़ुरू इलन नमलत फी सिगरे जो सतहा व लताफतहा अतहा ला तकादु तनालु बिलहदिल बसर व लाउ बिमुस्तदरक الفكر كيف دبت على ارضها و صبت على رزقها। अमीरुल मोमिनीन ने चूटे की तारीफ कर रहे हैं कि कभी तुमने ऑब्जर्व किया, कभी तुमने मुशाहिदा किया। साइंस की बुनियाद ऑब्जर्वेशन है, साइंस की बुनियाद मुशाहिदा है, दूसरी मंजिल तजरबा है, तीसरी मंजिल बिजनेस यूटिलिटी है, तिजारती इफादियत है, मगर पहले मुशाहिदा। अवलम यंजुरू फी मलकूत السماوات والارض, तुम मलकूत السماوات والارض में मुशाहिदा क्यों नहीं करते? फरमाते उन्ज़ुरू इला नमला, जरा चींटी का तो मुशाहिदा करो, किसी ने किया मुशाहिदा? मैंने उसी तकरीर में कहा था कि लॉर्ड फैराडे ने 20 बरस तक अपनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी से चींटी के हालात मालूम किए, और 20 बरस के बाद एक किताब लिखी, द एंट। यह किताब आज भी लाइब्रेरीज में मौजूद है, अन्नमला। और उसमें जितने अबवाब कायम किए लॉर्ड फैराडे ने अली के खुतबे में, वो पूरे अबवाब मौजूद है। रिस्क को कैसे जमा करती है, उसको शऊर कैसे है, बीमारों को कहां रखती है, घर किस तरह से बनाती है, किस मौसम में किस मौसम के लिए गल्ला जमा करती है, कितना शऊर उसको अपनी हिफाजत का है, किस कदर सोचती है, किस तरह से देखती है, उसके गले में क्या है, उसके जिस्म में क्या है, उसके पांव में क्या है, ये खुतबे में है अली के। खैर मुझे उस तफसील से काम नहीं, मैं तो अपने सिलसिले बहस में हूं। इरशाद फरमाते हैं,
لو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته على ما دلت كالدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل شيء وغامز اختلاف كل هي وما الجليل واللطيف والقوي والزعيم والثقيل والخفيف في قلق إلا صلاة صلوات ارشاد فرماتے ہیں لو ضربت فی مذاہب فکر اف یو تھریش آؤٹ دا ویریس اسکولس آف تھاٹ اگر تم اپنے تمام مذاہب فکر کو ٹٹولو اگر تم اپنے تمام علوم کو ایک جگہ کر دو باٹنی کو بایولوجی سے ملا دو بایولوجی اور باٹنی کو جیولوجی سے ملا دو اور علم طبقات الارض کو علم حیات سے ملا دو علم حیات اور علم طبقات الارض کو علم طبیعیات اور علم کیمیا سے ملا دو اور تمام علوم کو ایک جگہ کر دو تو جب پتا چلے گا کہ چونٹی کا پیدا کرنے والا اور کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ایک ہے میں بحث میں نہیں جاؤں گا ارشاد فرماتے ہیں فقط اس لیے کہ ظاہر میں اختلافات عظیم ہیں باطن میں اتحاد ایک ہے وَكَذَلِكَ الْمَاءُ وَالْهَوَا وَالسَّمَاءُ وَالْفِضَا جیسے پانی ہوا سما فضا آسمان زمین یہ سب خلقت میں ایک ہیں تو ہمارا عالم یہ ہے بہت غور سے سنیے ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف گئے میڈیسن پڑھی تو وہیں اسپیشلائزیشن کی طرف گئے لٹریچر پڑھا تو کہیں نہ کہیں پھر تخصیص حاصل کی نباتیات میں گئے تو کسی خاص پودے پہ کام کرنا شروع کیا ایسا تو کوئی نہیں ملا جو سارے علوم کو وقت واحد میں ایک جگہ کر لے آپ سمجھ رہے ہیں میں زحمت دے رہا ہوں مگر سمجھنے کی کوشش ایسا تو کوئی نہیں ملا جو تمام علوم کو وقت واحد میں اپنے میں سمو لے اس سے نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پتے کو آپ نے دیکھا وہ پتہ آپ کے لیے غائب تھا نباتات کے ماہر کے لیے حضور آپ کے لیے غائب اور ایک مرتبہ زمین کے طبقات کی بات چھڑی تو ماہر نباتات کے لیے غائب علم طبقات الارض کے لیے کے ماہر کے لیے حضور اور اسی طرح زحل و عطارد کی باتیں چھڑی تو علم طبقات الارض کے لیے غائب علم حیات کے ماہر کے لیے حضور اور اسی طرح خون کے ذرات کی باتیں چھڑی آپ کے لیے غائب آپ کے ڈاکٹر کے لیے حضور تو غیب اضافی ہے غیب اضافی ہے جہاں علم نہیں غیب جہاں علم نہیں غیب بچے کے لیے جو غائب ہے وہ جوان کے لیے نہیں جوان کے لیے جو غائب ہے وہ ضعیف کے لیے نہیں جاہل کے لیے جو غائب ہے وہ عالم کے لیے نہیں کسی علم میں جو غائب ہے وہ اس علم کے لیے حضور ہے کسی اور علم کے عالم کے لیے غائب ہے تو آپ نے دیکھا یہ درجہ بدرجہ فوق کل ذی علم علیم ہر عالم پر ایک اور عالم مسلط ہے ہر عالم پر ایک اور عالم کو فضیلت ہے اس لیے اس کا غائب اس کا حضور اس کا غائب اس کا حضور بالکل اسی طرح قیامت غائب اب باتیں سمجھ میں آئی قیامت غائب مگر اس کے لیے حضور اس کے لیے حضور جس کو ایک رات اپنے پاس بلا کے دکھایا ہو یہ کوثر یہ جنت یہ طوفان Allah
कम से कम इसको तो मुसलमान तस्लीम करे। अरे मेराज की बातों को भी नहीं मानेंगे। बोला क्या दिखाया कि इस गायब को देखो, इस गायब को देखो और इसलिए देखो हबीब, इसलिए देखो कि पहले से मानूस रहो और समझाओ तो इस तरह से समझाओ कि दुनिया ये समझे देखी हुई बातें हैं, देखी हुई बातें हैं। और ऐसी मंजिल पर नबी ने समझाया, कुरान ने जो समझाया, तो मकाम में खिलकत पर, मकाम में तकवीन पर खालिक कुल ने समझाया, खालिक कुल ने समझाया। أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی طرح سے پھر پیدا کرے؟ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف رجعت ہے, उसी के दस्त कुदरत ने मलकूत आलम है, होल्ड है कायनात का। मलकूत को समझते हैं आप, रब्त शाई बिशाई, एक चीज का रब्त दूसरी चीज से, सारी कायनात का कंट्रोल मलकूत है। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शय, सबों ने मुल्क का दावा किया है। यह फर्क है मुल्क और मलकूत में, मुल्क का सबों ने दावा किया है मगर मलकूत वो जो मुल्क के समावात को मुल्क के अर्जीन से मिला दे, मलकूत वो जो मुल्क के अर्जीन को मुल्क के अजल से मिला दे, जो मुल्क के अजल को मुल्क के अबद से मिला दे, जो मब्दा को जाने जो महाद को जाने सब पर कंट्रोल रखे वो मलकूत है। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शय वह इलाही है तुर्यौन, यह कुरान का इस्तदलाल था। मैं अपनी मंजिल पर हूं और जाहिर है कि आप एक ऐसे दौर में मेरी इन तकरीरों को सुन रहे हैं जबकि खुद मुझे यह भरोसा नहीं है कि मैं मुसलसल शायद इन तकरीरों को जारी रख सकूंगा भी या नहीं, मगर तौफीक इलाही पर भरोसा है और मैंने एक अहम मसले को छेड़ दिया है। मगर दूसरा इस्तदलाल आज याद रखिए, क्योंकि बहस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तेज तर होगी, अमीख तर होगी। सूरह हज, ये हमने सूरह यासीन की आखिरी 7 आयतें पढ़ी थी, अब सूरह हज। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानो, इन्ना इन कुंतुम फी रैब मिनल बासे, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैब मिनल बासे, ऐ इंसानो अगर महशर में उठाए जाने में तुमको शक है, इन कुंतुम फी रैब मिनल बासे, अगर तुमको महशर में लाए जाने में शक है, इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, हमने बनाया है तुमको मिट्टी से। आपने देखा दहरी मादे साइंटिस्ट, मिट्टी तक तो आपके साथ है, मिट्टी तक तो आपके साथ है, इख्तलाफ वही है। इल्ला खलकनाकुम इन कुंतुम फी रैब मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, एवोल्यूशन देखिए, सुम्मा मिन नुतफतिन, सुम्मा मिन अलकतिन, सुम्मा मिन मुज़गतिन मुकल्लकतिन व गैर मुकल्लकतिन लन नुबय्यिन लकुम व नुक़िरु फिल अरहामि मा नशा इला अजलिन मुसम्मा। यहां तक माना सुन लीजिए, अगर तुमको शक है कयामत में, हमने तुमको खल्क किया मिट्टी से, फिर नुतफे से, फिर अलके से, यानी बस्ता लहू जमा हुआ लहू अलका, सुम्मा मिन मुज़गतिन फिर गोश्त के लोथड़े से, मगर वो गोश्त का लोथड़ा कभी कामिल हो सका
कभी गैर कामिल रह गया, कभी वो कामिल हो गया, कभी नाकिस रह गया। क्यों? लतुबय्यन लकुम, ताकि उस मंजिल पर भी दिखला दे न तुम्हारा इरादा शामिल है न तुम्हारी कुदरत शामिल। अजीब कुदरत। लतुबय्यन लकुम, ताकि तुम पर वाज़े हो जाए कि तुम्हारा अपना इरादा नहीं है। وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى اور ارحام امہات میں جگہ دی ایک خاص زمانے تک جس جس کے لیے چاہا جس جس کے لیے چاہا ایک خاص زمانے تک اس کو مہلت دی ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر تم آئے طفولیت کے عالم ثم نخرجكم طفلا اور پھر تم نے کمال حاصل کیا جوان ہوئے کہولت کی منزل پر آئے اور وہ مقام تم کو ہم نے عطا کیا لتبلغوا اشدکم تم میں قوتوں کا استواء ہوا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور تم میں سے کچھ لوگ مر گئے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے بعض کو زندگی کے آخری حصے تک پہنچا دیا لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ جاننے کے بعد سب کچھ بھلا دو یہ قدرتیں دیکھئے لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بعد علم انشایا کہاں ہیں ڈگریاں کہاں ہیں تجربے کہاں ہے وہ ساری زندگی یہ ضعیفی کی آخری منزل ہے اب کچھ بھی یاد نہیں ہے کہاں ہے اختیار آپ کا کہاں ہے آپ کا ارادہ کہاں ہے آپ کا منشا کچھ نہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اس مقام پہ پہنچا دیا استدلال دیکھیے قرآن کا وہ ترل ارض حامدا کبھی بنجر زمین کو بھی دیکھا کبھی بے آباد ویرانوں کو بھی دیکھا وہ ترل ارض حامدا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جب ہم نے پانی کو نازل کیا واہتزت و ربت و انبتت من کل زوج بہید یہ زمین سڑی پھولی شاداب ہو کر لہلہا اٹھی اور ہر طرف سے سبز ہی سبز زمین نظر آنے لگی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت و ربت وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ کس کا کام ہے اللہ وہ حق ہے انہ یحیی الموتیٰ وہ اسی طرح سے مردوں کو جلا انہ یحیی الموتیٰ اسی طرح سے مردوں کو جلائے گا استدلال قرآنی دیکھیے سورہ حج ہے انہ یحیی الموتیٰ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت برحق ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو قبروں میں ہیں خدا ان کو پھر اٹھائے گا یہ لازم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس معاملے میں اللہ سے لڑ رہے ہیں یہ سورہ حج اب استدلال آپ کے سمجھ میں آیا کہ قرآن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انجام سمجھ میں نہیں آتا تو آغاز کو دیکھو مگر جو آغاز میں بھٹک جائے وہ انجام سے بے خبر ہے وہ انجام سے بے خبر ہے میں نے یہ طے کیا مسلسل مطالعے کے بعد کہ یہ اغماز اغماز آپ سمجھتے ہیں چشم پوشی نگاہوں کا چرانا بدا اور مبدا سے سہون نہیں ہے جہالت کے اعتبار سے نہیں ہے آمدن ہے یہ اغماز آمدن ہے تاکہ اتنا کہہ سکے
हमने चूंकि आगाज पे गुफ्तगू नहीं की इसलिए हमने अंजाम पे गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अब तो हमने तय किया है कि गुफ्तगू को अंजाम से शुरू करेंगे ताकि आगाज समझ में आए। अगर आज यहां तक बहस समझ में आई तो तकरीर को खात्मे पर पहुंचाते हुए एक अजीब हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मजलिस में एप्लीकेशन हो, मैं चाहता हूं कि मजलिस का पैगाम जहन इंसानी पर मुंतबिक हो जाए। मेरी दरखास्त है कि जो सुने उस पर आप अमल करें, और ये अमल का नुस्खा है। हमारे बिरादरों ने दीनी अहले सुन्नत वल जमाअत की अहम तरीन किताब मुस्तदरक हाकिम, हाकिम मोहम्मद इब्ने अली इब्ने मूसा इब्ने बाबा कुम्मी का हम असर है, यानी वो जिसकी किताब मन ला यहजुर है, इब्ने बाबा उसका हम असर है। ये 360 और 380 हिजरी का जमाना है, यानी सहा सित्ता के बाद मुस्लिम और बुखारी की हदीसों को रिजाल पर परख कर हाकिम ने यह किया कि सिकह तरीन रावियों से पैगंबर से जो रिवायत मिली थी उसको उन्होंने जमा किया, इस्तदराक किया, उसको मुस्तदराक कहते हैं, यानी जो रह गया था उसको जमा किया, इसको मुस्तदराक कहते हैं। मुस्तदरक हाकिम ये कदीम तरीन किताब है सहा सित्ता के बाद। यह किताब बड़ी जखीम है और आज कराची के किताब खानों में बहुत कम मकामात पे है, बहुत नायाब। मुस्तदरक हाकिम की आखिरी जिल्द का आखिरी बाब, इस आखिरी बाब में कयामत पर गुफ्तगू है इस शान से कि रसूल कयामत पर गुफ्तगू कर रहे थे, चेहरा उदास था, रंग मुतगैर था, इसलिए कि देखी हुई दुनिया है, मुजमहिल थे, और गुफ्तगू थी कि सूर कैसे फूकेगा। फइज़ा नुफ़िख़ा फिस्सूर, सूर कैसे फूकेगा जिससे दुनिया तबाह होगी, यह आवाज कैसे आएगी, एक आवाज आएगी, फसायका मन से समावती व मन फिल अर्थ, जमीन और आसमान में हर शख्स चीख उठेगा। सूर पे गुफ्तगू थी और कहा बड़ी परेशानी का वक्त होगा, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, वहशी दरिंदे एक जगह जमा हो जाएंगे, एक दूसरे को फाड़ खाने वाले एक बज़्म में आ जाएंगे, कातिल मक्तूल एक जगह हो जाएंगे, इतनी वहशत होगी कि बरसों की दुश्मनी सब खत्म होगी और हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी और सूर फूकेगा। साहिब मुस्तदरक कहते ऐसे में किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर हम उस वक्त जिंदा हो और सूर फूके तो क्या हो, हम क्या करें, आप सुनेंगे, आप उस पे अमल करेंगे, अहद कीजिए क्या आप अमल करेंगे। अगर सूर फूके तो आपने फरमाया मुझ पर और मेरी औलाद पर दुरूद भेजो, नहीं आवाज बहुत मुख्तसर थी, अभी से आदत डालो पुकार के दुरूद भेजने की। जवाब है, सूरह इस्राफील का जवाब है, कहां है उलमा इस्लाम, कयामत आने वाली है और आगाज कयामत पर नुस्खा दिया, मुझ पर दुरूद भेजो। अब ये याद रखिए,
बहुत ज्यादा मैटर एक मजलिस में मिल जाए तो कभी कभी हाफिजा धोखा देता है, इसलिए इसको महफूज रखिए। मगर एक दो बातें, वो ये कि चलते फिरते उठते बैठते जिनको आदत होती है ना किसी काम की, तो वो तो गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पर फिर वही काम करते हैं। मगर शुरू से जिनको दुरूद भेजने में बार रहा हो वो सूर फूके या कयामत आ जाए वो तो दुरूद नहीं भेजेंगे, वो दुरूद नहीं भेजेंगे। और जिनको यह आदत है मोहम्मद अल्लाहुम्मा समझ में आई, कहां है मुसलमान उलमा, अभी नाम नहीं लिया, अभी तो कहा दुरूद भेजो, अभी मदद नहीं मांगी, अभी मदद नहीं मांगी, अरे अभी तो कयामत शुरू हो रही है। मेरे इशारे को आप समझ, मुझ पे दुरूद भेजो, सिर्फ दुरूद भेजो, दुरूद भेजो, नजात है। दुरूद भेजो, सूरह इसराफील का डर न रहे, जब कभी खौफ पैदा हो डर आ जाए, दिल डर जाए, तो एक नुस्खा दिया, अब उसको शिर्क जानो बिदअत जानो, अब उसको बुराई समझो या इस्लाम से खारिज समझो, यह मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है, मैंने किसी अपनी किताब से हवाला नहीं दिया है और मैं कोशिश करूंगा उसको अपनी किताबों में ढूंढने की कोशिश करूंगा। मगर पैगंबर इस्लाम ने कहा कि देखो आगाज कयामत सूर से है और वहीं से शुरू हो जाए, वहीं से अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद قیامت قیامت کا ذکر سے رسول ہمیشہ بے چین ہو جاتے تھے, ہمیشہ بے چین ہو جاتے تھے, اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی تھیں, آنسو رخسار اقدس سے بہنے لگتے تھے, بہت سوچتے تھے کہ کیا ہوگا۔ एक पुराने मर्सिये के दो बंद मैंने कल पढ़े, खुर्शीद आसमाने अदब का तुलू है, एक दो बंद और सुन लीजिए। बैठे थे एक रोज नबी फातिमा के पास, था आफ्ताब रूए रसूल खुदा उदास, कयामत का जिक्र था, जिब्राइल आ चुके थे, मुतफक्किर घर में गए थे। बैठे थे एक रोज नबी फातिमा के पास, था आफ्ताब रूए रसूल खुदा उदास, रोकर कहा बुतूल से आए मेरी हक शनास, शब्बर पिएगा जहर सहेगा हुसैन प्यास। जब मुर्तजा को देखिए खालिक का जिक्र है, बेटी तुझे भी कुछ मेरी उम्मत की फिक्र है। हंसकर कहा मेरी तो उसी दिन बनाएगी। मैं सिर्फ एक मिसरे के लिए पढ़ रहा था, मजबूर इख्तियार उसी रोज पाएगी, मजबूर इख्तियार उसी रोज पाएगी। कयामत यौम आदल यौम दीन, जो परेशानी है इनको यही है कि अगर आदल है और आदल का दिन है तो जुल्म के दफ्तर खुलेंगे। मजबूर इख्तियार उसी रोज पाएगी। आले मोहम्मद का यह तरीका रहा है कि हर एक मासूम ने मरते वक्त वसीयत की, इल्ला हुसैन इब्ने अली के,
इब्ने अली ने मदीना से चलते वक्त वसीयत की है ताकि अहले मदीना जान ले और दुनिया तक ये पैगाम जाए। उस वसीयत में यह है कि मिन हुसैन इब्ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अहले मदीना जान ले और दुनिया तक ये पैगाम जाए। उस वसीयत में यह है कि मिन हुसैन इब्ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इला अकी मोहम्मद इब्ने हनफिया अन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला। हुसैन गवाही देता है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हुसैन गवाही देता है कि मोहम्मद उसका रसूल है। हुसैन गवाही देता है कि मौत हक है। हुसैन गवाही देता है कि सवाल मुनकिरो नकीर हक है। हुसैन गवाही देता है कि सिरातो जन्नतो नार हक है। हुसैन गवाही देता है कि अन्न सातातियतुन कयामत आने वाली है वो अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर और जो कब्रों में है उन सबको खुदा उठाने वाला है। यह है हुसैन इब्ने अली का वसीयतनामा। मासूम गवाही देता है तो हमको तो चाहिए कि हालत सेहत में कुछ इस तरह से लिख जाएं ताकि औलाद की नजर पड़े कि बाप के अकायद क्या थे। हम बहुत गाफिल हैं, बहुत गाफिल हैं। मदीने से जाते हुए लिखा और अजीब शान से ये सवारी चली, कल यहां तक पहुंच चुके थे कि फरजंद रसूल घोड़े पर सवार हुए, शहजादियां महमिलों में जलवा फरोज हुई, काफिले का जायजा लेकर सबसे आखिर में अब्बास वालिदाए गिरामी से रुख्सत लेकर उनकी दुआओं के साथ घोड़े पर सवार हुए। 28 रजब की शाम थी, आफताब उफक मदीना से डूब रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मदीने के मुसाफिरों का काफिला मदीने के दरवाजे तक पहुंचा कि अब्बास ने एक मर्तबा अपने घोड़े को तेज किया, दौड़ाते हुए नाकों से गुजरते हुए अस्हाब की सवारियों से गुजरते हुए हुसैन इब्ने अली की सवारी के करीब आए। भाई ने भाई को देखा, हुसैन ने घोड़े को रोका, अब्बास ने सर को अदब से झुकाया, पूछा अब्बास क्या है, कहा माला सवारी को रोकी है, फातिमा सोने आ रही है। साहेबाने औलाद जमा है, पूरा घर जा रहा है, एक बेटी बीमार रह गई है। अर्ज किया फरजंद रसूल काफिले के पीछे पीछे उम्मे सलेमा का हाथ थामे पुकारते हुए आ रही है, बाबा ठहरो, बाबा बाबा ठहरो, आखिरी मर्तबा सोहरा देख ले आपके जमाल को। काफिला रोका गया, खनाते नस्ब की गई, सैदानियां उतरी, बीमार बेटी आई, एक एक को सलाम किया, एक एक ने बीमार को गले से लगाया, अब किसी से कुछ नहीं कहा, न मन्नत की न समाजत की कि मुझे साथ ले चलो, बस यही कहा आखिरी मर्तबा देखना चाहती थी। अली अकबर को सलाम किया, चचा अब्बास को सलाम किया, उम्मे रबात के करीब आई का अली अकबर को प्यार कर, 14 बरस 14 दिन के बच्चे को, 14 दिन के बच्चे को गोद में लेके प्यार किया। हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आदाब बजा लाकर कदम बोसी के लिए झुक गई। इमाम ने
बेटी के सर को उठा के सीने से लगाया, कसोरा इमाम दादी हो बेटी, सब्र करो मेरी जान, ये कह के कहा अब्बास चलो। सोरा मिट्टी पर बैठ गई और काफिला चला, जाने वाले काफिले का दर्द गुबार उड़ उड़ कर फातिमा सोरा के सर पर जमता चला। काफिला निकल गया और बाप की आवाज कानों में गूंजती रही, घबराओ नहीं अली अकबर आएंगे, अब्बास आएंगे, कोई लेने के लिए आएगा। अल्लाह, शाबान गुजर गया, रमजान गुजर गया, शव्वाल और ज़िलक़ाद के महीने गुजर गए, मुहर्रम का चांद आया, फातिमा के दिल में वसवास पैदा हुआ, सोरा के दिल में वसवास हुआ, मुहर्रम के 10 दिन गुजरे, घबरा के कहा